दोस्तों, जहां पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्में इन 17 महीने में, कोरोना वायरस पेंडेमिक लॉकडाउन के 17 महीनों की बात कर रहा हूं, तो जहां पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्में ओटीटी पर प्रीमियर कर डाली, अनलेस ऑफ कोर्स उनकी फिल्म बड़े पर्दे पर ही एंजॉय की जा सकती थी, लाइक सूर्यवंशी 83, दे डिड नॉट सकम टू द टेम्पटेशन। वहां चंद प्रोड्यूसर्स थे जिनकी फिल्में शायद ओटीटी पर भी आप एंजॉय कर सकते थे, लेकिन दे हेल्ड ऑन इन सॉलिडैरिटी विद द सिनेमा इंडस्ट्री। और उनमें से एक प्रोड्यूसर है आनंद पंडित जी, जो ना केवल प्रोड्यूसर है बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर भी है एंड वेरी वेल नोन बिल्डर भी है। तो लेट्स वेलकम आनंद पंडित, जिनकी फिल्म चेहरे इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है, एंड माइंड यू थिएटर्स में। आनंद जी, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। आनंद जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, चेहरे को आपने इतने महीनों तक होल्ड बैक किया क्योंकि आपकी जिद थी, आपका दृढ़ निश्चय था कि ये फिल्म सिनेमाघरों में बनी है और मुझे सिनेमाघर में ही लानी है, एंड अगर मैं सिनेमा वालों के साथ सॉलिडारिटी नहीं शो करूंगा तो और कौन करेगा? एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। नहीं, हमारे दो रीजन थे, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन काफी लोगों के है। तो दो रीजन ये थे कि मैं सालों से बच्चन साहब के साथ में एक थ्रिलर बनाना चाहता था, और एक दिन मेरा ड्रीम पूरा हुआ कि जब बच्चन साहब ने खुद ने मुझे फोन किया कि आनंद भाई, मेरे पास में एक बहुत अच्छी कहानी है, थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, और रूमी जाफरी साहब ने इसको ग्रीनलिट किया है, मैंने ग्रीनलिट किया है, मुझे ये बनानी है और आप प्रोड्यूस करें। तो मेरे लिए वो ड्रीम कम ट्रू था। तो उसी टाइम से हमने सोचा था कि ये थ्रिलर जो बड़े पर्दे पे आएगी बच्चन साहब के साथ में, तो उसकी कोई मजा और ही होगी। तो इसमें शूट भी हमने उसी हिसाब से किया है, उसका फैब्रिक भी उसी हिसाब से रखा हुआ है। तो हमने पहले से सोचा था कि हम थिएटर में ही जाएंगे इसको दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चन साहब को बड़े पर्दे पे देखना, इमरान हाशमी और बच्चन साहब की जुगलबंदी देखना बड़े पर्दे पे, वो इट्सेल्फ इज अ ट्रीट। और दूसरा रीजन ये था कि समझो 5-6 डिकेड से 60 डिकेड से 60-70 साल से सिनेमा घरों ने पूरी इंडस्ट्री को संभाल के रखा है। तो आज हम जस्ट दूसरा कोई चांस मिले और उसकी वजह से उनको सपोर्ट नहीं करें तो वो भी ठीक नहीं है। तो हमने सोचा कि इतने सारे लोग जो सिनेमा के साथ में जुड़े हैं, ये पूरी इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हैं, एंड हु आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, दे मस्ट बी सपोर्टेड। सो ये दो रीजन। वेरी नाइस। इत्तफाक से सबसे पहली फिल्म इन 17 महीनों के दौरान, सबसे पहली फिल्म जो ओटीटी पर प्रीमियर हुई, वो बच्चन साहब स्टारर गुलाबो सिताबो ही थी। तो उस फिल्म को देख के कहीं आपका मन डगमगाया नहीं कि अगर वो फिल्म ओटीटी पर प्रीमियर हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। और एक्चुअली देखने जाए तो थ्रिलर जो जॉनरा है वो ओटीटी पे बहुत अच्छा चलता है, वो भी है। करेक्ट, एग्जैक्टली। सब लोगों ने मुझे बोला था कि आप ओटीटी पे लेके जाओ, बट मैं थोड़ा जिद्दी आदमी हूँ तो हमने सोचा कि नहीं, हम ये एक अच्छा कोर्स में भी जुड़ेंगे और ये एक एक्सपीरियंस के रूप में लोग बड़े पर्दे पे देखें ना तो उसकी मजा आएगी। यू नो आनंद जी, आपने कहा कि मैं थोड़ा जिद्दी आदमी हूँ। आप पहले कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे जो अभी भी कंटिन्यू करते हैं, यानी आपका फैमिली पेशा फिल्म प्रोडक्शन नहीं है या फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी ने आपको वार्न नहीं किया कि आप जिद्दी आदमी हैं, लेकिन यहां पर इस इंडस्ट्री में जिद्दी सिर्फ स्टार हो सकता है, प्रोड्यूसर को तो स्टार जो कहे वो मानना पड़ता है, ऐसे वार्न नहीं किया? कैसे हिम्मत की, सबसे पहले तो कैसे सोचा इस इंडस्ट्री में आने का और कैसे हिम्मत जुटाई? कमल जी, आप भी जानते हैं कि इंडिया में दो ही रिलीजन है, एक क्रिकेट और दूसरा फिल्म। तो क्रिकेटर तो हो नहीं सकता था, उसमें पार्ट नहीं ले सकता था उस टाइम पे। और स्कूल और कॉलेज में बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूं मैं, तो तब से सोचा था कि एंटरटेनमेंट का बिजनेस, रियल एस्टेट वॉज ऑलवेज अ पैशन। सो आज आप मेरे जो भी बिल्डिंग देखेंगे तो आपको उसके ऊपर मेरा सिक्का दिखेगा।
सो वो पैशन से बनाता हूँ. और फिल्में जो है या तो फिल्म का बिजनेस है वो प्योरली मैं एज अ बिजनेस करता हूँ. मुझे पता है कि ये बिजनेस में बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है क्योंकि बहुत लूज एंड्स होते हैं और आपके कंट्रोल में चीजें होती नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ पीपल. ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ही पूरी इंडस्ट्री चलती है. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी सेंसिटिव बिजनेस. बट आई नो कभी ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट एट आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ऑलमोस्ट 90% रहा है. जो भी हमारी फिल्में हमने रिलीज की है बारिंग 3-4 फिल्म छोड़ देते हैं तो सभी फिल्मों में हमने वी हैव मेड डिसेंट प्रॉफिट. सो एज अ बिजनेस मुझे लगता है कि व्हेन योर कन्विक्शन सामने वाले को पता चलता है कि नहीं इनका कन्विक्शन है कुछ होगा तो वो भी आपके साथ में जुड़ जाता है. तो यही फिल्म में ये भी हुआ कि जब हमारे स्टार्स एंड क्रू एंड हमारे डायरेक्टर साहब रमी जाफरी साहब सबसे मैंने डिस्कस किया कि सर मेरी सबसे इच्छा है कि हम सिनेमा घरों को भी सपोर्ट करें और मुझे होल्ड करने के लिए मेरे लिए कोई ज्यादा तकलीफ की बात नहीं थी. सबसे बहुत इम्पोर्टेंट तो वो था कि देर इज नो डेट और देर इज नो लोन और एनीथिंग. सो अभी भी मुझे एक साल रुकना होगा तो मैं रुक जाऊंगा. सो दैट भगवान न करे, भगवान न करे. Absolutely. And अभी मुझे लगता है कि things will be on track now. और जिस हिसाब से वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, जिस हिसाब से अपने वहाँ केसेस जैसे बॉम्बे जैसी सिटी में 200 से नीचे केसेस है तो वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि अभी things will be positive. और सिनेमा घर धीरे धीरे अच्छे से खुल जाएंगे. जो लोगों की नौकरियां चली गई है, तकलीफ में आए, वो लोग भी मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे. एक सवाल उठता है, जहां आप ऑलमोस्ट 1.5 साल रुके, महाराष्ट्र के सिनेमाज खुलने तक रुक नहीं सकते थे, 27 अगस्त की डेट क्यों चुनी? हमने एक्चुअली 27 अगस्त की इसीलिए चुनी कि 19 अगस्त बेलबॉटम ने चुन ली थी. मेरा ये मानना था कि सबसे पहली फिल्म मुझे लानी है ये वेव में. अच्छा. बट गिविंग रिस्पेक्ट टू बेलबॉटम एंड वासु जी, हमने सोचा कि नहीं चलो हम सेकेंड लाते हैं बिकॉज आई वॉन्टेड दैट कि 3-4-5 फिल्में आएगी कहीं तो किसी ने शुरुआत करनी पड़ेगी. तो आएगी तो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी थोड़ा दबाव आएगा कि भाई चलो बाकी सब स्टेट में भी खुल गया है, अभी फिल्में आने लगी है तो हम भी खोल दे. तो वो इंतजार करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं था. रादर फिल्में अगर आती है, जैसे 2-3 फिल्में आती है तो सरकार के ऊपर एक पीयर प्रेशर आएगा, वो भी हमारा मानना था. और गॉड विलिंग मुझे लगता है कि 1 तारीख से महाराष्ट्र खुल जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ. ओके आनंद जी, अब जब बेलबॉटम रिलीज हो चुकी है लेकिन उसकी शुरुआत वॉज वेरी शेकी, इट डिड नॉट टेक अ गुड ओपनिंग, उससे आप डरे हुए हैं क्योंकि नेक्स्ट फिल्म आपकी है? बिल्कुल नहीं डरा हूँ. मैंने जैसे आपको बताया कि मैं तो पहली फिल्म ला रहा, क्योंकि मेरा बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कितना हो ये फिल्म में वो मेरा टारगेट ही नहीं. तो मैं तो सबसे पहले वासुभाई और अक्षय को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी डेफिनेटली एक बड़ा हिम्मत दिखा कि इतनी बड़ी फिल्म ब्रदर वो लेके आए और पूरी सिनेमा सर्किट को, एग्जीबिशन इंडस्ट्री को, वो इंस्टीट्यूट को खड़े करने की ट्राई किया. तो अभी बॉक्स ऑफिस इज नॉट द कंसर्न. हमारा कंसर्न है अच्छे से लोगों तक फिल्में पहुंचे, फिर से थिएटर्स चालू हो जाए, फिर से लोग थिएटर में जाए, पॉपकॉर्न और समोसा के मजा ले. दैट इज व्हाट द एम इज राइट नाउ. आनंद जी, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने आपको बोला कि मेरे पास थ्रिलर है और मैं चाहता हूं आप बनाओ, और आप अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन रह चुके हैं, इसलिए आपने इस फिल्म को हामी दी, या आपने स्क्रिप्ट सुनी, असेस की और फिर कहा कि हाँ मैं ये फिल्म को बनाऊंगा? कोमल जी, जब बच्चन साहब कोई फिल्म को हाँ बोलते हैं तो मेरी जरूरत कैसी होती है कि मैं क्योंकि ये बिजनेस है आपका, इसलिए. बिल्कुल बिजनेस है. तो मैं ज्यादा मानता हूं कि आज के टाइम में क्या हो गया है कोमल जी, चीजें चेंज हो गई है. व्हेन यू हैव गॉट ए लिस्टर एक्टर इन योर फिल्म, वो एक्टर का, फिर बच्चन साहब हो या दूसरे कोई ए लिस्टर एक्टर हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है टू क्यूरेट द फिल्म. तो आज भी मैं दूसरी फिल्म अगर पकड़ता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ किस एक्टर ने हाँ बोली है, बस दैट्स ऑल आई वांट टू नो दैट ओनली. उससे ज्यादा कोई जानने की जरूरत नहीं है. क्योंकि क्या है कि
कोई फिल्म में हमारा तो छोटा मोटा नुकसान हो जाएगा बट उनका जो भाव चलता होगा वो आधा हो जाएगा. सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ढंग की फिल्म करे, उनके रेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर फिल्म करे. तो वो आर्टिस्ट को कन्विक्शन होना ज्यादा जरूरी है rather than producer. Producer का खाली पैसा जाएगा और कुछ नहीं होगा. करेक्ट करेक्ट. जब फिल्म कंप्लीट हो गई और आपने उसे प्रीव्यू में देखा, ट्रायल हॉल में देखा, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था और उस फर्स्ट ट्रायल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, किसके साथ देखी, क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या रिएक्शन था वगैरह वगैरह. मेरा पहला रिएक्शन तो था वाओ व्हाट अ फिल्म, नॉट जस्ट बिकॉज़ इट इज माय फिल्म, द वे बच्चन साहब, अन्नू कपूर जी, धृतिमान चटर्जी सर, रघुवीर यादव सर, जो आगे की जनरेशन के है, और नई जनरेशन वाले इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती, क्रिस्टल डिसोजा, सिद्धांत, ये सब नई जनरेशन. तो मेरी फिल्म में दोनों जनरेशन का बैलेंस है. तो हम सोच रहे थे कि नई जनरेशन को शायद ये एक्सपीरियंस लोग खा जाएंगे, बट दोनों ने, सबने इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और इसमें एक अच्छा सोशल मैसेज भी है. तो वी लव्ड इट, लव्ड इट. What is better, Rumi Jafri's writing या उनका direction? देखो, मैं बहुत strongly believe करता हूँ कि writer is most important. क्योंकि writer ही एक कहानी का स्वरूप देता है, एक माहौल देता है, characterization करता है, even character को कैसे कपड़े पहनाना, उसका क्या look देना, उसका attitude क्या होना, वो writer ही तय करता है. अगर अच्छे से, अगर writer ने अच्छी चीज लिखी है, इट इज लाइक ए ब्यूटिफुल लेडी, उसको कोई भी कपड़े पहनाओ अच्छा ही लगेगा. सो राइटर इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. तो रूमी जाफरी का राइटिंग इतना अच्छा है कि 90% तो हमारी जीत वही हो जाती है. फिर रही एज अ डायरेक्टर की बात, तो उन्होंने, क्योंकि सबका क्वेश्चन यही था कि आज तक उन्होंने कॉमेडी फिल्में ही लिखी है या तो कॉमेडी फिल्म के साथ में ही जुड़े हैं, बट आप इसमें फिल्म देखेंगे तब उनको शाबाशी देंगे कि क्या काम किया है उन्होंने. रूमी जी ने बहुत मेहनत की है इसमें, और रूमी जी ने जिस हिसाब से, रूमी जी और बाकी भी टेक्नीशियन हमारे, आई मस्ट एक्नोलेज विनोद प्रधान जी, रसूल प्रकुटी, सब टॉप क्लास के टेक्नीशियन है, सब ने मिला के इसका जो माहौल बनाया है फिल्म का, इट्स फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. आर यू हैप्पी दैट सिर्फ और सिर्फ आपकी फिल्म रिलीज हो रही है 27 अगस्त को, देयर इज नो ऑपोजिशन इन दैट सेंस? मैं थोड़ा मायूस हूं कि मेरी अकेले की फिल्म है 27 को. अगर दो तीन फिल्म और होती तो ज्यादा अच्छा होता था, थिएटर में ज्यादा लोग आते थे, उनको ज्यादा चॉइस मिलती थी. तो अभी भी आप थिएटर का और सिनेमा इंडस्ट्री का सोच रहे हैं, यू आर नॉट सेल्फिशली थिंकिंग के सिर्फ मेरी फिल्म चले? नो, मैं चाहता हूँ कि दूसरी फिल्म आए, मैं चाहता हूँ कि दूसरी फिल्म आए. अगर देखिए कोमल जी, मैं एक व्यूअर के हिसाब से देखता हूँ चीजों को. आज क्या है कि व्यूअर को खाली मेरी फिल्म लगी होगी उसके लिए आना है, लेकिन अगर तीन फिल्में लगी होती तो उसको एक चॉइस मिलता था. बच्चे ये फिल्म देखते थे, पेरेंट्स दूसरी फिल्म देखते थे, उनको एक वैरायटी रहती है. तो मैं कभी भी ऐसा नहीं मानता हूँ कि सामने दो फिल्म आती है तो एक फिल्म का तकलीफ होती है. नो, फुटफॉल आते हैं, ज्यादा फुटफॉल आते हैं हमेशा. क्या बात है आनंद जी, शायद यही आपका बड़प्पन है और इसी बड़े दिल की बातें आपके पीठ पीछे होती है कि यहाँ एक प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड बिल्डर है जिनका दिल दरिया जितना बड़ा है. ऐसे ही आप रहें और आपकी फिल्म चेहरे भी ऐसा बड़ा बिजनेस करे जैसे कि आपका दिल है. इसी दुआ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. एनी पार्टिंग वर्ड्स? बस मैं सबको बोलना चाहता हूं कि सिनेमा घरों को फिर से जीवित करें, वो लोग जो उसमें जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाए, ऐसा करें. सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू गो टू थिएटर, नॉट ओनली फॉर माई फिल्म, जो भी फिल्म लगे वो सभी फिल्मों के लिए जाए और सिनेमा घरों को पुनर्जीवित करें. थैंक यू सो मच आनंद जी, शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी बातचीत विद आनंद पंडित जी? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, एंड
आनंद पंडित जी के बिहाफ पर मैं ये कहूंगा कि चेहरे इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में, तो उसका मजा जरूर उठाइएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।